हेलो एवरीवन, फिजिक्स एजुकेटर चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन एक रोटेटिंग चार्ज लेमिना की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। अपने को ये लेमिना दिया हुआ है जो इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हुआ है। इस लेमिना के ऊपर अपन कुछ चार्ज पुट कर देते हैं। अपने को इस चार्ज की वजह से ओ के ऊपर पोटेंशियल दिया हुआ है वी नॉट। अब अगर अपन इस लेमिना को जेड एक्सिस के अबाउट कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करें तो अपने को बताना है ओरिजिन पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। लेमिना पर चार्ज की वजह से ओरिजिन ओ पर पोटेंशियल दिया हुआ है वी नॉट। मैं लेमिना का एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करता हूँ जिसका सरफेस एरिया है डीए। इस पर चार्ज डी क्यू को अपन ये लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डीए, जहाँ पे सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। मान लेते हैं इस डी क्यू चार्ज से ओरिजिन आर डिस्टेंस पे है, तो डी क्यू चार्ज की वजह से ओरिजिन पर पोटेंशियल को अपन ये लिख सकते हैं, डी वी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और पूरी लेमिना की वजह से पोटेंशियल वी नॉट हो जाएगा इंटीग्रेशन डी वी। मैं डी वी को इंटीग्रेट कर देता हूँ पूरे लेमिना के ऊपर, तो अपने पास ये आ जाएगा इंटीग्रेशन डी क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यानी वी नॉट को अपन ये लिख सकते हैं, वी नॉट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 1। अब अपन लेमिना को जेड एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट करेंगे और उसकी वजह से ओरिजिन पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। जब अपन लेमिना को जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कराते हैं तो लेमिना पर लोकेटेड हर चार्ज एलिमेंट भी सेम एंगुलर स्पीड से रोटेट करता है। अपना एलिमेंट जिस पर चार्ज डी क्यू है, ये आर रेडियस के सर्कल में चक्कर लगा रहा होगा। अगर डी क्यू चार्ज ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट हो रहा है तो इसकी वजह से करंट फ्लो करेगी डी आई, जिसको अपन ये लिख सकते हैं, डी आई इज इक्वल टू डी क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई। डी क्यू को मैं सिग्मा डी ए लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा सिग्मा ओमेगा डी ए अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पर ये डी क्यू चार्ज एक सर्कुलेटिंग करंट की तरह बिहेव करेगा। जैसे एक करंट कैरिंग कोइल के सेंटर पे फील्ड होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, वैसे ही अपन इस चार्ज एलिमेंट के रोटेशन की वजह से सेंटर यानी ओरिजिन ओ पर मैग्नेटिक फील्ड ये लिख सकते हैं, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट डी आई अपॉन 2 आर। डी आई की वैल्यू रख देते हैं तो ये आ जाएगा म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा डी ए अपॉन 4 पाई आर। अब अपन इसको पूरे लेमिना के ऊपर इंटीग्रेट कर देते हैं तो ओरिजिन ओ पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड ही आ जाएगा, इंटीग्रेशन म्यू नॉट सिग्मा ओमेगा डी ए अपॉन 4 पाई आर। मैं एप्साइलन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसको अपन ये लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन म्यू नॉट ओमेगा एप्साइलन नॉट सिग्मा डी ए अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट आर। एप्साइलन से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब म्यू नॉट ओमेगा एप्सिलॉन नॉट इसको अपन बाहर निकाल लेते हैं, अंदर ये रहेगा इंटीग्रेशन सिग्मा डी ए अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको मैं इक्वेशन 2 बोल देता हूँ।
इक्वेशन वन में अपन ने ये देखा था इस लेमिना की वजह से ओरिजिन पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये आता है। तो यहां से अपन इक्वेशन टू में इंटीग्रेशन की वैल्यू वी नॉट पुट कर देते हैं तो ओरिजिन पर मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट ओमेगा एप्सिलॉन नॉट वी नॉट। तो ये अपना आंसर होगा।